दिल्ली में लगातार कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार भी दिल्ली सरकार को लगाई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को। बिल्कुल, दिल्ली सरकार की जो लापरवाही है, बद इंतजामी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बात कह रही थी, अपनी मांग रख रही थी कि अस्पतालों की बद इंतजामी को सुधारा जाए, मरीजों का इलाज हो समय पर, एम्बुलेंस मिल जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अस्पतालों के, जिस तरह से सरकारी अस्पतालों के जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं वो वास्तव में बहुत दुखद हैं, दिल दहलाने वाले हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। जब शवों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके परिजनों को भी नहीं सूचना दी जा रही है, इससे ज़्यादा बदइंतजामी क्या हो सकती है। आप इलाज भी नहीं कर रहे हैं, आप लास्ट राइट्स का भी, जो शवों को, जो परिजनों को सूचना देनी चाहिए वो भी नहीं दे रहे, तो इससे ज़्यादा बदइंतजामी क्या हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, माफ़ी मांगिए इस पर और इंतज़ाम सही करिए, दिल्ली के लोगों को बचाइए, दिल्ली के लोगों की जान कोरोना से बचाइए। कोरोना महामारी में जो आपने असंवेदनशीलता दिखाई है, आप एसी कमरे में मत बैठिए, ट्विटर पर सरकार मत चलाइए, ज़मीन पर आके कुछ काम करिए। दिल्ली के शमशान घाटों पर लाशों का ढेर लगा हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या छुपा रही है दिल्ली सरकार? बिल्कुल, आंकड़े स्पष्ट हैं, जिस तरह से निगम, और ये पहले दिन से ही था, जो कल निगमों ने अपने आंकड़े जारी किए, मैं समझता हूँ कि वो दो ही डेडिकेटेड क्रीमेशन ग्राउंड है, पंजाबी बाग और निगम बोध। जब वो डेडिकेटेड कोविड क्रीमेशन ग्राउंड है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इन आंकड़ों के साथ हेरा फेरी कर ही रही है। कैमरामैन पंचानन के साथ केशव कुमार झा, हिंदुस्तान समाचार, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।